जब आप 2018 में मुख्यमंत्री बने, उस समय आपके सामने राज्य को लेकर सबसे बड़ी क्या दो चार ऐसी चुनौतियां थी जिसको लगा कि सबसे पहले इसको एड्रेस करने की जरूरत है? ये जो सवाल है, ये छत्तीसगढ़ बनने से पहले का सवाल है, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी वो सवाल जस के तस रहे, वो सवाल खड़े ही थे, उस पर कोई निदान हुआ नहीं। दरअसल ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है, वनांचल में रहने वाले हमारे, चाहे सुदूर बस्तर के साथी हों या सरगुजा के लोग हों, उनकी जो समस्या है उसमें उसके तरफ कोई पहल की गई नहीं, और देखते देखते 18 साल बीत गया और लोगों को लगा कि ये हम तो मध्य प्रदेश में ठीक थे, छत्तीसगढ़ में आके हमको वो जो चीज़, जो बातें सबके मन में थी, जो सपने थे, वो तो पूरा हुआ नहीं, उस दिशा में कोई प्रयास हुआ नहीं। और इसलिए उन सारे सवालों के उत्तर देने की हम लोग कोशिश किए, और उसमें सबसे पहला ये है कि किसानों को अपने पैरों में खड़ा करना, ऋण माफ़ी से लेके बिजली सस्ते दर में उपलब्ध कराना, बिजली बिल हाफ करना, सिंचाई कर माफ करना, और उसके बाद उसके जो उत्पादन लागत है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहे 2014 में हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। आय दुगुने करने की बात कही गई थी, वो हुआ नहीं, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे। ऐसे में हम लोगों ने 2500 रुपये में धान खरीदी का फैसला किया, तो एक बड़ा बदलाव किसानों के जीवन में आया। दूसरा, यहाँ 44% जंगल है और वनोपज बहुत है, लघु वनोपज बहुत है, उसके न खरीदी की व्यवस्था न समर्थन मूल्य, तो वो काम हम लोगों ने किया कि जो भी उपज है उसकी खरीदी की व्यवस्था। तो पहले तो 7 प्रकार के लघु उपज खरीदे जाते थे, अब 67 प्रकार के लघु उपज खरीदे जा रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो लोगों के हाथ में पैसा आया। फिर बात गौपालकों की रही, मतलब आज के समय में खेती भी घाटे का सौदा, गौपालन करना भी घाटे का सौदा, तो उसको फिर हमने फायदे में बदलने के लिए गोधन न्याय योजना लागू की, तो उसमें भी समृद्धि आई। तो आज छत्तीसगढ़ के आम जनता के आय में वृद्धि हुई, बड़ा बदलाव हुआ उसके जीवन में, ये काम हम लोगों ने सबसे पहले किया। फिर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, संस्कृति है, इन सब क्षेत्रों में भी हम लोगों ने काम किया।